हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं साबुनदाने का पापड़, जो बहुत ही इजिली, मतलब 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। मुश्किल से, मतलब सूखने में जो टाइम लगेगा वही टाइम, लेकिन बनके तो 5 मिनट में तैयार हो जाता है। और ये देखिए कितना फूला फूला, तो देखते हैं कैसा मेरा बनता है, कैसा रिजल्ट आता है। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, छोटी सी वीडियो है, जरूर वीडियो को प्यार दीजिएगा। और ये देखिए कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम साबुनदाने को रात भर भिगो दिए थे, और ये देखिए कितने अच्छे से ये छिल गया है। ऐसे हाथ से दबाएंगे तो तुरंत मैश हो जाएगा, ये देखिए। तो इसको बनाने में आपको, मतलब, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, लेकिन मतलब बस जो सूखने में टाइम लगे वही, लेकिन बनाने में 5 मिनट ही मुश्किल से लगेगा। तो यहाँ हम पैन बैठा दिए हैं गैस के ऊपर, साथ में यहाँ हम डाल दिए साबुनदाना जो भिगो के रखे थे। जितना हम साबुनदाना लिए हैं उसका डबल पानी डालेंगे। इसको अच्छे से हम पकाएंगे। और ये देखिए साबुनदाने सारे ऊपर आ गए हैं, ये पकने लगे हैं बढ़िया से, एकदम पानी जैसा ये हो जाएगा, बिल्कुल पक के बिल्कुल अच्छे से। तो इसमें हम 1 चम्मच डाल देते हैं चिली फ्लेक्स, बढ़िया से, मतलब जितना आपको तीखा पसंद है उतना आप डालिएगा, बढ़िया से बोल दिए। इसमें हम डाल देते हैं नमक, तो स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दीजिए। अगर आपको, मतलब, व्रत के लिए बनाना है तो नमक स्किप कर सकते हैं, या फिर व्रत वाला नमक डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए बिल्कुल पानी जैसा हो गया है ये। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे कि इसमें हम 2 बड़े साइज के आलू को कद्दूकस करके डाल देंगे, ताकि इसका, मतलब, थिकनेस थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ 2 हम आलू बढ़िया से कद्दूकस करके डाल दिए हैं। इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे जब तक आलू अच्छे से पक ना जाए। यहाँ देखिए आलू को हमारे पकते हुए 2 मिनट से 3 मिनट हुए हैं और ये आलू पक गया है, चेक करके दिखा रहे हैं आपको। इसे आप दबाएंगे तो आलू बहुत अच्छे से मैश हो गया। ये देखिए यहाँ आलू पक गया है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, गैस को हम बंद कर देंगे। यहाँ हम जीरा डालना भूल गए थे, तो यहाँ हम 1 बड़ी चम्मच जीरा ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी स्किप भी कर सकते हैं, कुछ भी मत डालिए, सादा बना लीजिए सिंपल। तो बहुत सारे हम वीडियो देखे हैं कि जिसमें सिंपल ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ टेस्ट के लिए हम जीरा डाल दिए हैं। इसको अच्छे से ठंडा करेंगे। ये देखिए ठंडे होने के बाद ये ठीक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। ऊपर हम लिफाफा बिछा दिए हैं छत के, मतलब पॉलिथीन, उसमें हम तेल लगा लिए हैं अच्छे से। अगर आप चाहें तो बिना तेल का भी हो सकता है। बस इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे रख देंगे। और आज हवा बहुत ज्यादा चल रही थी, मतलब ये लिफाफा पूरा उड़ रहा था, कितना भी दबाए हैं लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा उड़ रहा था। देखिए बीच बीच में उड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा हवा चल रही थी, ये होली वाली हवा जिसको बोलते हैं, फगुना होता चलता वही चल रहा है। तो बहुत ज्यादा, मतलब, उड़ रहा था, बहुत अच्छे से दबाए थे फिर भी उड़ रहा था लिफाफा। यहाँ बिल्कुल अच्छे से डाल देंगे। अगर आपको पतला बनाना है तो इसको थोड़ा सा फैला दीजिए, जैसे कि हम पतला बनाए थे, थोड़ा थोड़ा फैला दिए थे ताकि ये जल्दी सूख जाए। तो बहुत ज्यादा हवा चल रही थी, ज्यादा सूखने, एक बारिश वाला भी मौसम हो रहा था, लेकिन ये 1 दिन में सूख के तैयार हो गया था। अगर आप मोटा बनाएंगे तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे सूखने में, लेकिन ये थोड़ा सा टूटा हुआ रहता है लेकिन जल्दी ही सूख जाता है, इसलिए हम थोड़ा पतला ही बनाते हैं ताकि सूखने में दिक्कत ना हो। और ये देखिए हमारा पापड़ डालते ही कढ़ाई में बहुत अच्छे से फूल गया, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए हवा चल रही थी, लिफाफा मुड़ जा रहा था, इसलिए पापड़ भी मुड़ गया है। अगर आप थोड़ा मोटा बनाएंगे तो, मतलब, पूरा अच्छे से सेक आएगा, लेकिन हम मोटा इसलिए नहीं बनाते, जैसे कि आपको बताए कि 3 से 4 दिन लग जाएंगे सूखने में, तो फिर दिक्कत हो जाती है, बार बार उठाओ लेके आओ, लीकेज चीज हो जाता है। ये देखिए कितना क्रिस्पी बन के तैयार। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।